देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तराखंड राज्य बने 17 साल बीत चुके हैं। इन 17 सालों में अभी तक करीब 5000 लोगों के गुमशुदा होने के मामले सामने आए हैं, जिनकी तलाश के लिए उत्तराखंड पुलिस जल्द ही अभियान शुरू करने जा रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस ने इससे पहले भी गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन स्माइल शुरू किया था। पुलिस की माने तो ऑपरेशन स्माइल पिछले साल सफल रहा था और इसी ऑपरेशन से पुलिस ने 1365 बच्चों को ढूंढ कर माता पिता को सौंपा था। इसी तर्ज पर गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए पुलिस अभियान शुरू करने जा रही है। वहीं एडीजी अशोक कुमार ने बताया कि इन 17 सालों में करीब 5000 एडल्ट लोगों के गुमशुदा होने के मामले सामने आए हैं। इनकी बरामदी के लिए जल्द ही एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं। ऑपरेशन स्माइल हमने चलाया है, 8 चलाए जा चुके हैं बच्चों के लिए। इसमें अभी तक 1266 बच्चे रिकवर हुए हैं। इस वर्ष फिर फरवरी में चला रहे हैं। और जहाँ तक रही एडल्ट्स की बात, उसमें हम अभियोग भी दर्ज करते हैं। 15 दिन तक ज्यादा से अधिक मिसिंग होता है तो उसमें प्रयास करते हैं कि उसका भी एक वो हो जाए, उसमें भी हम रिकवरी कर सकें। उस जैसे मैंने कहा कि उसके लिए 15 दिन से ज़्यादा की मिसिंग हो जाती है तो हम उसमें अभियोग दर्ज करते हैं। और इस तरह जो जिनकी डेड बॉडीज की पहचान नहीं हो पाती है उसके लिए भी हम सर्कुलेट कराते हैं सभी एरियाज में। और एक विशेष अभियान अब हम इसका भी चलाएंगे, जो बड़े बड़े लोगों का जो है, जो फुल एजेड लोग हैं या नॉर्मल जो एज के लोग हैं, बच्चों को छोड़कर एक अभियान हम बच्चों के अलावा भी चलाएंगे। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।